हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, करवा चौथ आ रही है और ये हम लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होता है। उसके लिए ना हमें सब कुछ एक मैजिकल जैसा चाहिए होता है, जैसे कि छलनी हो गई है, आपका लोटा हो गया, आरती की थाली होती है, सब कुछ डेकोरेटिव हो तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसके लिए आज हम जो हमारी छलनी होती है, जिसे हम चांद देखते हैं, उसको हम डेकोरेट करने वाले हैं कुछ अपने स्टाइल में, होममेड स्टाइल में। उसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक छलनी ले ली है। ये मैं न्यू छलनी लेके आई थी क्योंकि पूजा में नया ही चीज़ यूज़ होती है। अगर आपकी पिछले साल की रखी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैं न्यू लेके आई। तो मैंने चांद देखने वाली छलनी ली है और मेरे पास एक ब्लू कलर का फेब्रिक था तो मैं उसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो जो नीचे की साइड से पहले आप ग्लू की हेल्प से आपको ये जो कवर है, मतलब आपको पूरा कवर करना है इसको, देखिए फैब्रिक से आपको। अच्छा, हम यहाँ रेडीमेड आप छलनी लाते हैं तो वो बहुत भेदभाव करते हैं, बाहर से तो डेकोरेट कर देते हैं, अंदर से छलनी डेकोरेट नहीं करते, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हम भेदभाव ना करेंगे और अंदर बाहर दोनों तरफ से हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये हमने कवर किया, कवर करने के बाद मेरे पास ये ब्लू और गोल्डन कलर की ही क्लेस थी तो हम उसको नीचे की साइड से लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम ग्लू कर रहे हैं और फिर उसको लेस लगा रहे हैं, ग्लू करेंगे और फिर लेस लगाएंगे, सिंपल सा। अगर आपके पास यहाँ ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक वाली ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको ग्लू करूँगी और जो मेरी ये लेस है मैं इसको लगा दूँगी। ये देखिए, अगर आपके पास लेस नहीं है और आप मार्केट से परचेज़ करने जाएँ तब भी ये 10 से 15 रुपये मीटर मिल जाती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। देखिए, इसी तरीके से मैंने बाहर और अंदर दोनों तरफ से ये नीचे की साइड से लेस लगाई है ये। फिर उसके बाद मेरे पास ये येलो कलर की लेस लगी थी झालर वाली, तो इसको हम ऊपर की साइड लगाएंगे, लेकिन जो हमारी जो झालर आएगी वो ऊपर की साइड जानी चाहिए, नीचे की साइड नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से करते हुए हम इसको राउंड एंड राउंड करके इसको भी लगा देंगे। जब तक ये हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर साइड से लगाने के बाद ये मीडियम साइज़ के जो शीशे आते हैं मैं इनको लगा रही हूँ, तकरीबन एक से दूसरे शीशे के बीच में मैं 2 सेंटीमीटर का गैप दे रही हूँ, कम से कम 2 सेंटीमीटर का गैप दीजिएगा। अगर आप जो और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो और ज़्यादा का भी गैप दीजिएगा, मगर कम का तो नहीं होना चाहिए। फिर इस तरीके से आपको देते हुए ग्लू करना है और जो आपके शीशे हैं वो आपको लगा देना है। ये देखिए, फिर मैंने देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, तो इसके लिए मैंने ये देखिए फैब्रिक वाली ग्लू ली है और ये हाफ वाले मोती लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा शीशा है उसके राउंड हम ये फैब्रिक वाला ग्लू लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और जो हमारे ये मोती हैं कटे वाले, फिर हम इसको 1x1 करके इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। ये फैब्रिक ग्लू सूखने के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है तो ये जल्दी से हटता नहीं है, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, इस तरीके से 1x1 करके मैं इसको चारों ओर लगा दूँगी, और जितने भी हमने शीशे लगाए हैं ये सभी पे मैं ये प्रोसीजर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए अभी से कितना प्यारा लग रहा है, और इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे, हद से हद ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना ही ज़्यादा खर्चा आया है। फिर इसके बाद देखिए, मैंने लीव्स वाला जो शीशा आता है ये लिया है और इसको मैं अंदर की साइड लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए, करते हुए जो भी हमारा गैप था अंदर की साइड, वो हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, और ये बनने के बाद बाहर और अंदर दोनों तरफ से ही बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि आप बाहर से डेकोरेट कर लेते हैं अंदर से नहीं तो वो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये देखिए जब दोनों तरफ से हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनकर लगेगा। और देखिए, ये कितनी प्यारी आपकी छलनी लग रही है, आपके करवा चौथ को और स्पेशल बना देगा ये, और सुंदर। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस छलनी को कितने नंबर देना चाहेंगे, 10 में से, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। और ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं वहाँ जितना हो सकता है उतनी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम पैसों में। थैंक यू।